शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरे लिए चाइनीज फूड और जूस लेकर आओ। चाइनीज फूड? कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर? खुली हवा में। अच्छा हुआ मैडम को कोई चोट नहीं आई। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मैं तो समझता था कि तुम दुनिया की सारी चीजें भूल सकती हो, लेकिन चूचू को नहीं भूल सकती। देखिए, इस लड़की की याददाश्त चली गई है जी। आप लोग इसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव कीजिए, वरना टेंशन में ये लड़की पागल भी हो सकती है। ओ, जैसा कहे वैसा कीजिए, जो मांगे दीजिए। वैसे लगता है लड़की कोई बड़े घर की है। अरे काहे के बड़े घर की लड़की, पिछले 3 दिनों से यहाँ पड़ी हुई है, किसी ने खबर तक नहीं पूछी। हमने तो सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे तो लगता है उसका कोई है ही नहीं। क्या सबूत है? तू चुप रह। सबूत सबूत? देखिए डॉक्टर साहब, ये लड़की का मामला है, उसे यहाँ ज्यादा दिन के लिए हम रख नहीं सकते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट करवा दूंगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ हर। ओ साहब, ये साइकेट्रिक वार्ड क्या होता है? अब हमें क्या लेना देना, चल। साहब, क्या वो सचमुच पागल भी हो सकती है? ई कहाँ है? तुम लोग मेरे पीछे पीछे चक्कर क्या काट रहे हो? जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ जाओ। मैडम आप थक गए होंगे, आप अंदर जाकर लेट जाइए। मैं लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ तुमसे मतलब? अरे हाँ, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। ईव, मैं पानी लेकर आऊँ? मैं इंस्पेक्टर हूँ मैडम। क्या सबूत है? चुप रह। मैडम के लिए जाकर एक ग्लास पानी लेकर आ। जी वो मैं हवाला। और सुनो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए चाइनीज फूड और जूस लेकर आओ। चाइनीज फूड? इसने पुलिस स्टेशन को चाइना टाउन समझ रखा है। चाइना टाउन? ओह, मटकू आ गया। हाँ मटकू। मटकू ये मुझे दे दे, तेरी शक्ल देखते ही मैडम भड़क जाएगी। चल तू जा। आहा, आ गया मैडम, आपका खाना आ गया। ये खाना मैं खाऊंगी। मैं? तुम लोगों का दिमाग खराब है। तुम लोगों को पुलिस में नौकरी किसने दी? टेक इट अवे। क्या लड़की है? आपको कितनी बुरी तरह से डांट दिया। अरे ऐसा तो मेरी बीवी ने भी मुझे नहीं डांटा। कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर? खुली हवा में। अंदर मेरा दम घुटता है। दम घुटता है? क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो तो भाग रही है। पकड़ो। साहब साहब, लड़की भाग गई। क्या सबूत है? चुप रह। जब पकड़ो पकड़ो। जल्दी करो, भागो भागो, पकड़ो उसे, भागो। रुक जाओ मैडम, रुक मैडम, मैडम रुक जाइए प्लीज। मैडम सुनिए तो सही। क्यों हटो? नजदीक बताना। नहीं मैडम। हाथ मत लगाना, हटो, पीछे हटो। ए प्लीज प्लीज लिसन टू मी। हटो, अबे हटो। मैंने कहा ना हटो, बताना। अबे हट। अच्छा हुआ मैडम को कोई चोट नहीं आई। चलिए मैडम। डोंट ट्राई टू टच मी, अंडरस्टैंड? समझ गया। ए तुम समझा या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुजरिम को भागने का पूरा मौका दिया। लिसन, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं। ये है मैडम, ये किसको घेरा हुआ है? एक लड़की है, हंगामा मचा रखा है सारे इलाके में। समंदर में डूब रही थी, मछेरों ने बचा लिया। इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, ना नाम ना पता, कुछ भी याद नहीं। हाँ, उसको पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया था। आज 3-4 दिन हो गए, कोई लेने ही नहीं आया उसे। चलिए ना मैडम। मैंने कहा ना मैं नहीं चलूंगी। मैडम देखिए ना, आपकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक को। ट्रैफिक दोनों तरफ रुका हुआ है। आप चलिए ना, आप जो चाहेंगी वो आपको मिलेगा, यहाँ तक कि चाइनीज फूड भी आपको मिलेगा। प्लीज। ओके चलो। हे भगवान, तेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अब मैं इस अमीरजादी को सिखाऊंगा गरीबी क्या होती है, इंसानियत किसे कहते हैं, शराफत क्या होती है। ठीक है, तुम उसे ले आओ, हम सब तैयार है। चाचा चाचा? अबे डब्बू चाचा नहीं, पापा, समझे? क्यों? समझ गए चाचा। फिर चाचा? नहीं नहीं, पापा पापा। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे ये ड्यूटी पे भाग रहे हैं, ड्यूटी से भाग रहे हैं। अरे होल्ड साहब। अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बाहर जा रहा हूँ? अरे एक मिनट, जरा बात तो सुनिएगा। देखो, बात सुनने और कहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑरेंज जूस लेने जा रहा हूँ, हटो। अरे ऑरेंज जूस की क्या जरूरत है, एक ग्लास सादा पानी से काम चल जाएगा सर। अरे तुम्हारे लिए नहीं, मैं एक आफत के लिए ऑरेंज जूस लेने जा रहा हूँ, हटो। तभी इससे बात कीजिए, जिस आफत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? जी हाँ। सच? अरे मैं क्या अपनी बीवी के बारे में झूठ बोलूंगा?
राजा हमेशा सच बोलता है। क्या सबूत है? सबूत नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो तुम्हारी बीवी है? क्या नाम है उसका? नाम मेरा नाम क्या है? राजा। तो वो मेरी रानी? रानी? हाँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तभी तो उसकी चेन में ये आर लगा हुआ है। देखा, आर फॉर रानी। और ये कपड़े? अरे हाँ, ये तो उसी के कपड़े हैं। जब वो फिशिंग में जाया करती थी तो यही कपड़े पहन के जाया करती थी। अच्छा, ये लो सब उसका सामान। ठहरो, पहले तुम अंदर चलो और पहचानो उस दीवानी को। मिल गया साहब, मिल गया, रानी का राजा मिल गया। रानी का राजा? जी साहब, सारे सबूतों के साथ लाया हूँ। ये राजा है और वो इसकी रानी है, जिसके कारण हम सबको परेशानी है। तुम उसके पति हो? यस यस, मैं उसके पति हूँ। वो तो रानी लगती है मगर तुम राजा। ठीक है, अपना क्या। हवलदार! यस सर। आंटी को बुलाओ। आंटी? अरे यार, रानी को बुलाओ। इडियट। ओ रानी, मेरी रानी, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। हर नदी, हर नाला, हर किनार, हर। रुक जाओ, कौन हो तुम? रानी, मैं तुम्हारा राजा। तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूँ। Don't talk rubbish. मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी नहीं हुई। रानी, ये तुम्हें, हे भगवान, रानी मेरी तरफ देखो, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरी मूरत, मुझे पहचानो। हमने प्यार किया है, शादी की है। प्यार, शादी, वो भी तुम जैसे आदमी से? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? इंस्पेक्टर, ये खाली है या भरा हुआ? मैडम, ये भरा हुआ है और इसमें छह गोलियां हैं। क्या सबूत है? चुप रहे। अच्छा ये बताओ, हम पहली बार कब मिले थे? तो तुम ये भी भूल गई? तुम हमारी पहली मुलाकात भी भूल गई? हे भगवान, अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? अरे जल्दी बताओ भैया, वरना गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस हसीन मुलाकात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरे चराने मेरे खेतों के पास आया करती थी। एक दिन तुम्हारे गाय ने मेरी फसल खा ली, मुझे आया गुस्सा और मैंने तुम्हारे गाल पर कसकर तमाचा दे मारा। बस तभी हमारा प्यार शुरू हुआ इंस्पेक्टर साहब। तुम मुझे तमाचा मारो और मैं तुमसे प्यार करूं? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसे बाहर निकालो वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। मैडम शांति शांति, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज, आप यहाँ पर बैठिए, मैं इनको निकालता हूँ। आप यहाँ पर आइए। मिस्टर राजा, वी आर टोटली हेल्पलेस। अगर यार तुम अपनी पत्नी को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि तुम उसके पति हो, तो यार यहाँ से निकल जाओ। हम लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? या तो फिर कोई ऐसी बात बताओ जो जो जो, जो सिर्फ एक पति ही जानता है। कोई निशान, कोई निशानी? सिर्फ एक पति जानता हो? हाँ, याद आया। क्या? इसके पीठ पर थोड़ा सा नीचे एक काला निशान है, और ये बात सिर्फ एक पति ही जान सकता है, यानी कि मैं। साहब, साहब सबूत मिल गया। वो तो मिलना ही था। अब सबूत हमें नहीं, मैडम को चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी आ गई। देखा, मैं कहता था ना कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, अब तो यकीन आ गया। चलो घर चलो, घर चलकर तुम्हें सारी बातें फिर से याद आ जाएंगी। चलो इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे। भगवान अब आपका भला करे, आप जो अब इन्हें ले जा रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो 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 चलो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी जोड़ी है। क्या सबूत है? सुप्रा! तुमने मुझे तमाचा मारा और हम दोनों का प्यार हो गया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ये दिल की बात है मैम साहब। दिल की बात?
घर आ गया है। तुम यहाँ रहते हो? तुम नहीं, हम यहाँ रहते हैं। इस राजा और इस रानी का यही महल है। नहीं, something's wrong, ये नहीं हो सकता। Nothing is wrong, हो सकता है मैडम। चलो आओ, आओ अंदर। अरे तुम रुक क्यों गई? हम यहाँ रहते हैं। हाँ, ये हमारा घर है। असली आराम तो घर आने के बाद ही मिलता है। This dirty, filthy place is our home. Dirty? ओ हाँ, अब तुम कुछ दिनों के लिए थी नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा डर्टी हो गया है, वरना तुम कितना साफ रखती थी इस घर को। मैं सब सफाई करती थी। हाँ, हम लोगों के पास कोई नौकर नहीं है। नौकर? ये तुम्हें क्या हो गया रानी? अबे, छोटे मोटू, ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? देखते नहीं तुम्हारी मम्मी आई है। मम्मी? हेलो मम्मी, कैसे हो मम्मी? ये मेरे नहीं है। अरे मैंने तो सोचा था तुम मेरे फौरन पहचान लोगी। ये मोटू मस्त रहा, खा पी के एकदम खुश रहने वाला। और ये छोटू, अरे तुम तो इसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। मम्मी अब तो मैं चल के नहीं जाऊंगी ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? तुमने ये भी नहीं सोचा मम्मी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अम्मी समुद्र में कूद के अपनी जान दे देते। बस बस बस, मम्मी आ गई ना, अब बोटिंग पर कभी नहीं जाएगी। देखा कितना प्यार करते हैं ये तुमसे। एक सेकंड, अगर ये हमारे बच्चे हैं तो इनकी शक्ल मुझसे या तुमसे क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती? क्योंकि ये अपने नाना नानी पे गए हैं ना। मेरे दो दो बच्चे हो गए और मैं, मेरी फिगर? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं दो बच्चों की मां नहीं हो सकती। दो? हाँ? और डब्बू सबसे बड़ा? डब्बू सबसे बड़ा? डब्बू, अरे डब्बू! हेलो मम्मी, वेलकम होम। ये भी मेरा है। हाँ तुम्हारा है। मम्मी कैच। ये कितने साल का है? 10 साल का। तुम कितने साल के हो? 24 साल का हूँ। मैं कितने साल की हूँ? 23 साल की। मतलब जब ये पैदा हुआ तो तुम 13 साल की थी। दरअसल में हमारी शादी। अरे मम्मी है, पलट पलट। अरे मम्मी को कांदार कोल्हापुरी चप्पल सुगाओ। ये वाला भी ले। अबे ओए, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी नहाने जा रही है, उसी की तैयारी है। और ये बर्फ? टैंक में डालने के लिए। ठंडे पानी से नहाएगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठंडे ठंडे पानी खीच। से नहाना चाहिए। मिस्टर राजा, मिस्टर राजा, मी मिस्टर राजा, डार्लिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। राजा कहो या तुम चाहो तो मुझे डियर राजा भी कह सकती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे कपड़े वो दूसरे कपड़े में, इस रूम में। मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने? इसकी क्या जरूरत है, अच्छी भली साफ सुथरी तो हो। क्या? अब मैं मतलब जाओ, जरूर जाओ। लेकिन मेरे कपड़े? अरे तुम नहाने तो जाओ, मैं कपड़े ला देता हूँ। जाओ 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 जाओ, नहाओ नहाओ नहाओ, कपड़े 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 कपड़े। बंद कर, बंद कर दिया। कर दिया, कर तो दिया, लेकिन कपड़े कहाँ से लेके आऊँ? मेरे चलेंगे। हट, सुनो, जब तक मैं लौटूंगी हाँ। तब तक इसको निलाते रहना। हाँ। हाँ। अच्छा चाहता हूँ। क्या हुआ मम्मी? कुछ चाहिए? पानी बहुत ज़्यादा है। चाचा को आने में देर लगेगी, तू जाकर पानी स्लो कर दे। हाँ मैं जाता हूँ। अरे छोटू, ये पानी स्लो क्यों हो गया? मम्मी यहाँ यही चक्कर है, कभी स्लो होता है कभी फास्ट। अरे साहब कौन से कपड़े चाहिए, नाप तो बताइए। अरे कोई सा भी नाप चलेगा।
चाचा आ गए। पानी की तो लेना नहीं, वो देखो वो टप्पू, तेज करके जल्दी वापस आ जा। रानी हाँ। ये लो कपड़े। पानी ठंडा था क्या? हाँ बहुत ठंडा था। क्या हुआ? मम्मी तो चीखी थी। चीखी थी? हाँ। सकती इतनी ढीली ढाली मेरे जैसी दो इसमें आ सकती है। ये दो के लिए तो बनाई गई थी। याद है जब मोटू पैदा होने वाला था उस वक्त तुम बलून की तरह फूक गई थी, तुम और मोटू, मोटू और तुम। ये उस वक्त की तो ड्रेस है। उस वक्त की? लेकिन ये छोटी भी तो है। उस वक्त तुम छोटी थी जब मोटू पैदा होने वाला था, उस वक्त तुम 15 साल की थी। अब उम्र के साथ साथ लंबाई भी तो बढ़ेगी ना। मैं मोटी थी और छोटी भी थी। अब तुम ये छोटी मोटी बातें भूल जाओ और खाना पकाने की तैयारी करो। खाना? खाना मैं पकाऊंगी? हाँ, शाम होने वाली है, 8 बजे से ये लोग खाना मांगना शुरू कर देंगे। अरे जाओ। और सुनो, तुम लोग खेत से भाजी तोड़कर लेके आओ, खेत से भाजी तोड़कर लेके आओ, जाओ। अरे हाँ, मुझे भी तो जीप का कंप्यूटर साफ करना है। अरे सुनो, मुझे खाना पकाना नहीं आता। करूं ये तुम क्या उल्टा सीधा कर रही हो? बच्चे वहां खाने के लिए शोर मचा रहे हो और तुम? मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करूं? खाना बनाओ। मुझे नहीं आता। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम तो हमें कितने अच्छे अच्छे डिश बना के खिलाया करती थी और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। शायद मैं भूल गई हूँ, जैसे और सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन कल से तुम्हें को सब कुछ करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हारे लिए वो खाना बनाने की किताब ला दूंगा, उसी से पढ़कर सब कुछ सीख लेना, ठीक है? हाँ सुनो, तुम ये कढ़ाई गैस पर रखो, तेल गरम करो, जब तक मैं भाजी काट के लाता हूँ। डब्बू। हाँ पापा। चाकू किधर है? वही टेबल पर है। इसे कैसे जलाते हैं? नॉब घुमाओ गैस का और माचिस से जलाओ, सिंपल। माचिस? हाँ। क्यों वहां चल गया? डब्बू बंद हो किधर है? चलो मैंने क्या ये सब क्या है? हाथ जल गया था ना मम्मी का, अब ठीक है। देखो कैसे चुप है। हाँ चुप तो है, चलो कहीं और जाके खाना खा लेते हैं। चलो बाय मम्मी। अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहा हूँ। क्लब? हाँ वो तो मैं रोज जाता हूँ। रोज? लेकिन किस लिए? ड्रिंक्स के लिए। ड्रिंक्स? देखो मैं दिन भर काम करता हूँ, रात को मेरी कुछ पर्सनल जिंदगी है, कुछ डांस, एंटरटेनमेंट, तीन चार पैग से सारी थकान दूर हो जाती है, समझी? सुनो अब क्या है? देखो ये क्लब जाना जरूरी है क्या? मैं घर में हूँ, बच्चे हैं और देखो तो... रानी, इस बात का फैसला हमारी शादी की पहली ही रात को हो गया था। मैं कहीं पे भी आऊं जाऊं तुम कुछ पूछोगी नहीं। मैं कुछ नहीं पूछूंगी। नहीं चाचा। ये चाचा क्या लगा रखा है? साफ क्यों नहीं कहता तुझे चॉकलेट चाहिए? हाँ हाँ चॉकलेट। पापा रीटा आंटी को मेरा हेलो कहना। मेरा भी। हाँ कह दूंगा। ये रीटा कौन है? कैबरे डांसर। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो गई तो नाराज हो जाएगी, बच्चों का ख्याल रखना, बाय। चलो माइकल तेरा ये ऑर्डर भी पूरा हो गया, चलता हूँ। हमेशा जल्दी में रहता है तेरा पेमेंट। छोड़ ना यार, पैसे बाद में ले लूंगा। अरे सुन, तेरी दारू की बाटली किधर है? दारू? दारू का तुम क्या करेगा मैंने? तुम पीता तो है नहीं। तू देना यार। ये ऑफिसर्स चॉइस, तेरा भी स्टाइल है माइकल।
ये क्या करता मैं? छोड़ ना, या तू नहीं समझेगा। अरे चल तो बाय। अजीब आदमी है। दिल की बात दिल जाने कब्र उठे। रानी रानी उठो। क्या है तुम शराब पीकर आए हो? वो तो मैं रोज ही पीता हूँ। चलो चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अपनी जगह जाके सो जाओ। अपनी जगह? नीचे। मैं यहाँ नहीं सोती। नहीं। कब से? छोटू के पैदा होने के बाद से। ये तुम्हारा ही तो फैसला है, तुम्ही ने तो कहा था कि चौथा नहीं चाहिए। फिर मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ तीन है चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। नहीं, नहीं। तो फिर चलो। ये है तुम्हारा बेड। ये इतना गंदा टूटा फूटा सोफा, मैं यहां सोती हूँ? इतना बुरा भी नहीं है। हाँ हम कितने गरीब हैं। गरीब है तो क्या हुआ, इस घर में प्यार तो है। देखो टब्बू मोटू छोटू ये सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा। अच्छा मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। तुम्हारी जगह नीचे नहीं, यहां है। रानी उठो, सुबह हो गई है। मुझे सोने दो। अरे बच्चों को स्कूल जाना है, नाश्ता नहीं बनाना है क्या? नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा। ठीक है सोती रहो, मैं तो जा रहा हूं काम पे। लेकिन सोच लो कि अगर बच्चों को नाश्ता नहीं मिला तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। दिन भर मेरे साथ रहेंगे? हाँ। नहीं मम्मी, मेरे टिफिन में जरा ज्यादा बना, स्कूल में भूख बहुत ज्यादा लगती है, और मुझे जरा ज्यादा मुस्का लगा के। ये क्या, ये नाश्ता? पापा ये देखो ऑमलेट। खा ले बेटा खा ले, मम्मी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता बनाना सीख जाएगी। मम्मी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता बनाना सीख जाएगी। ये ले। खा ले छोटू। हाँ। जल्दी करो ना मम्मी, हमारी बात। हाँ हाँ पहले खा लो ना। नहीं है, हम साथ ले जाएंगे। मेरा बैग? हाँ। और मेरा? ये लो छोटू। ये सब चक्कर क्या चल रहा है? हाँ उधर क्या चल रहा है चक्कर? ये
मम्मी 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 ये रहा चुचू अंकल, तुम जब भी आते कुछ खाते ही नहीं हो। हाँ लो, मेरा भी लो लो। हाँ लेकिन ये राजा तुम लोग के लिए मम्मी कहाँ से लेकर बच गई? बच गई? हाँ, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है ना। है? हाँ बच गई, उसी ने तो उसे बचाया है। किसे बचाया? हाँ शायद ये बच्चों का प्यार था या मेरी किस्मत थी जो आज रानी जिंदा है। बस समझा करना यार। अरे लेकिन ये तो वो आई जो तेरी भाभी खो गई थी ना, अब आ गई है। अब चुप बैठ। अरे तुम चुचू को इस तरह क्यों देख रही हो? पहचाना नहीं? अरे मेरा यार, मैं तो समझता था कि तुम दुनिया की सारी चीजें भूल सकती हो, लेकिन चुचू को नहीं भूल सकती, क्योंकि चुचू नाम ही इतना म्यूजिकल है। चुचू चुचू चुचू। अच्छा आज मुझे जरा देर हो रही है, ये मैंने तुम्हारे दिन भर के कामों की लिस्ट बना दी है, आज ये सब काम कर देना। चल चुचू। ये कैसी जिंदगी है, लगता है मैंने सोच समझ कर शादी नहीं की। अच्छे से खा नहीं सकते, राजा भी ऐसे ही है। आ, आ, आ।
चल हट, अब मेरी बारी है। ये 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 गया। चल मोटू तेरी बारी, मैं अपनी मूंगफली नहीं दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है? नहीं नहीं, मम्मी को भूख लगी है। भूख लगी है? आ, ता, 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 लगता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वाकई आजा 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 आजा, देखो 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 देखो। हेल्प हेल्प, मैं डूब जाऊंगी, मेरी बोट बोट, मैं डूब जाऊंगी, मेरी बोट। ये तुम्हें क्या हो गया? ये बोट नहीं, ये ड्रम है। ये छोटू, ये मोटू, ये डब्बू और ये मैं, हम सब, तुम सब मेरे दुश्मन हो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं? दुश्मन नहीं तो और क्या, ना मुझे सोने देते हो, ना जागने देते हो, घर का सारा काम करना क्या अकेले मेरी जिम्मेदारी है? तुम अब कुछ नहीं कर सकते। जो मेरा काम है मैं करता हूँ, और ये बच्चे स्कूल जाते हैं। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे क्या अपनी मम्मी को इस तरह तंग करते हैं? और तुम, मेरी तुमसे कभी शादी नहीं हुई। अगर शादी हुई होती तो क्या शादी की कोई तस्वीर नहीं होती? इस घर में मेरी तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। तस्वीरें थी लेकिन वो इधर उधर हो गई। तुम्हें याद नहीं जब जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारी कितनी चीजें खो गई थी? तुम झूठ बोलते हो। कोई तो सबूत होता कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज मैंने सारे घर की सफाई की लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ये लगे कि ये मेरा घर है। ये शैतान बच्चे मेरे हैं, तुम मेरे पति हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी।